खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वजीरे आजम इमरान खान की, जिनका कहना है कि 4 माह में पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो गया है। दो जौहरी कुव्वतों का जंग के बारे में सोचना खुदकशी होगा। पाक भारत मुजाकरात से ही मसाइल हल हो सकते हैं। अफगान मसले का हल भी फौजी नहीं है, सियासी ही है। आपको बताएं कि तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीरे आजम इमरान खान का कहना था कि मुल्क को सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारे का है। बदउनवानी ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब रियासती इदारे इन सियासी माफिया के दबाव से आजाद होकर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क की मखदूज तरीन मुआशी सूरत हाल का सामना करने के लिए चीन की मदद ताजा हवा का झोंका साबित हुई है। अफगानिस्तान मसले के हल के बारे में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मसले का हल फौजी नहीं, वहां अमन का कयाम मुजाकरात से ही मुमकिन है। वजीर आजम इमरान खान का यह भी कहना था कि भारत मकबूजा वादी में ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है जिसका तस्वुर भी मुश्किल है। वो जौहरी कुव्वतों का जंग के बारे में सोचना खुदकुशी होगा। मुजाकरात ही वाहिद रास्ता है। पीछे हटने के भारतीय इकदाम से मायूसी हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात पर वजीर आजम ने कहा कि अब किसी के पैसे लेकर उनके लिए काम नहीं करेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी ही होगी।